हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कीर्ति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये वाली वीडियो मेरे चैनल की फर्स्ट लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होने वाली है एंड इट्स गोना बी सुपर फन, क्योंकि मैं इसमें क्विलिंग टेक्निक का यूज करके आपको 5 डिफरेंट DIYs दिखाने वाली हूँ। क्विलिंग टेक्निक को करने के लिए आपको चाहिए ये क्विलिंग स्ट्रिप्स, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज करी है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर आपको परचेज करना है तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। ये प्रोसेस सच में काफी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है, मुझे तो काफी मजा आया है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अनरैप करते हैं ये क्विलिंग स्ट्रिप्स, जो कि 10 डिफरेंट कलर्स में मुझे 10-10 रिसीव हुई हैं, और इसके साथ एक क्विलिंग टूल भी मेरे को मिला है। और भी बहुत सारे क्विलिंग टूल अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही अवेलेबल था, तो मैंने कॉम्ब यूज़ करके लीव्स बनाना शुरू कर दिया है। तो ये वाली लीव बनाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। कॉम्ब की एक एंड को आपको ऐसे ही रखना है और दूसरे एंड को एक एक बढ़ाते रहना है और आपकी लीव तैयार हो जाएगी। ऐसी ही 6 लीव्स मैंने बनाई हैं। अब येलो स्ट्रिप लेके मैंने क्विलिंग टूल का यूज़ करके इसको गोल गोल घुमाकर एक और लीव बनाई है। और हाँ, सारे एंड्स को हमें फेविकॉल से जोड़ते रहना है और लास्ट में मैं दोनों एंड्स को पिचका दूंगी ताकि एक लीव की शेप ले पाए। इसके बाद मेरे को एक और लीव बनानी है, जिसके लिए मैं फिर से कॉम्ब का यूज करूंगी और दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे इसको रोल करूंगी और फिर मैं इसे कॉम्ब से निकाल कर दोनों एंड्स को पिचका दूंगी ताकि एक लीव की शेप ले पाए। ऐसे ही आपको 10 लीव्स बनानी है, क्योंकि येलो वाली लीव्स के दोनों साइड में ये लगाने वाली हूँ और एक कम्प्लीट लीव तैयार हो जाएगी। और लास्ट में एक येलो स्ट्रिप को मैं इसके चारों ओर रोल कर दूंगी और हमारी पांचों की पांचों लीव्स तैयार हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की तरफ, जिसके लिए मैंने पर्पल स्ट्रिप ली है और इसको मैं गोल गोल रोल करूंगी। आप अपने पसंदीदा कलर को भी यूज कर सकते हैं और इसको लीफ की शेप देंगे और ऐसी ही 5 डिफरेंट लीव्स बनाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर के लिए मैंने ब्राउन कलर चूज किया है, जिसको क्विलिंग टूल की हेल्प से इसको रोल कर दूंगी और थोड़ा सा लूज छोड़ने के बाद दोनों एंड को बेंड कर दूंगी और ऐसे ही हमको 5 डिफरेंट लीव्स बनानी है। एंड देन टूल का यूज करके 5 पिंक स्ट्रिप्स को गोल घुमाया है और फिर ऐसा ही येलो स्ट्रिप के साथ किया है, बट इसके ऊपर पिंक पेपर भी लगा दिया है। अब बनानी है हमको ग्रीन लीव्स, जिसके लिए कॉम्ब की हेल्प से सेम टेक्निक का यूज करेंगे और 5 लीव्स को इस तरह चिपका देंगे और फिर इस टूल को यूज करके हम और भी लीव्स बनाएंगे अलग अलग शेप की, जिसके लिए मैं 2 डिफरेंट ग्रीन शेड्स यूज कर रही हूँ। और ऐसी वाली मैंने 7 डिफरेंट लीव्स बनाई है और इनको आपस में भी हमको अटैच कर देना है। अब सारी लीव्स तैयार हो गई है, अब आपस में इनको जोड़ना शुरू करेंगे। तो मैंने ऐसे फ्लावर्स बनाए हैं और 3D लुक देने के लिए मैंने ऐसे नीचे की साइड गोल गोल स्ट्रिप्स लगाई हैं। आपको इन्हें बस फ्लावर की शेप में बनाना है और फेविकॉल की हेल्प से आपस में अटैच कर देना है। काफी इजीली ये सब अटैच हो जाएंगे। और भी मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं, जिनको मैं इधर उधर लगाऊंगी और लीव्स भी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी ताकि ये पूरा भरा भरा दिखे। ऐसे ही आपको ग्रीन स्ट्रिप से इधर उधर भरते जाना है और जहाँ भी आपको स्पेस दिखे गोल गोल रोल करके भी मैंने यहाँ पे लीव्स बनाने की कोशिश करी है। और बस तैयार हो जाएगा हमारा फर्स्ट आर्ट पीस। इसको मैं फ्रेम करके अपनी दीवार पर टांगने वाली हूँ और इसको थोड़ा बॉर्डर देने के लिए मैंने येलो स्ट्रिप्स लगाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली क्राफ्ट की तरफ। इसमें मैंने यूज करी है लाइट एंड डार्क ब्लू स्ट्रिप्स, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ इवल आई और इवल आई में यही वाला ब्लू कलर यूज होता है। और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक मोती लिया है, जिसके चारों ओर मैं लाइट ब्लू वाली स्ट्रिप को रोल करूंगी। इसके बाद या तो व्हाइट स्ट्रिप या फिर बहुत ही लाइट ब्लू स्ट्रिप को रोल करूंगी और सबसे लास्ट में मेरे को डार्क ब्लू स्ट्रिप को रोल करना है। ये वाला DIY काफी सिंपल है और बहुत जल्दी भी बन जाएगा। आपको ऐसी ही 5 या 6 डिफरेंट इवल आई बनानी है, अपने हाथ के अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं बनाने वाली हूँ ब्रेसलेट। अब हमको चाहिए लाइट ब्लू पेपर, जिसको मैंने हाफ कट कर लिया है और गोल गोल घुमाया है टूल की हेल्प से। इसी तरह से 2 पीस बनाने के बाद आपको लेनी है एक जंप रिंग और आपस में कर देंगे इनको अटैच। ऐसे ही 5 पेयर्स बना लेंगे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम सबको आपस में जोड़ेंगे। और बस अब सबको आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे और ब्रेसलेट के दोनों एंड्स पर हमको डबल की जगह सिंगल सिंगल ब्लू वाली स्ट्रिप लगानी है। और फिर जब सब आपस में जुड़ जाए, अच्छे से सूख जाए, तो एक एंड पर हुक अटैच करना है और दूसरे एंड पर चेन अटैच करनी है। इन्हीं आसान स्टेप से आपका तैयार हो जाएगा एक इवल आई ब्रेसलेट। है ना ये काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग। मेरे कलाई पे देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। चलो बढ़ते हैं अपने 3rd DIY की ओर, जिसके लिए मैंने यूज करी है सबसे पहले ब्लू स्ट्रिप और इसको मैं रोल कर लूंगी टूल की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक मोर पंख, तो मैं इसमें ज्यादातर ब्लू ग्रीन रेड कलर्स यूज करने वाली हूँ। तो आपके पास जो भी कलर्स हो, आप इसको गोल गोल आपको अटैच करना है, क्योंकि ये मिडिल पार्ट ऑफ द फेदर होने वाला है। जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाए तो आपको कोई भी 3 डिफरेंट कलर्स लेने हैं, टूल की हेल्प से उनको 3 डिफरेंट साइजेस में रोल कर देना है बिल्कुल इस तरह।
और फिर आपको सर्कल लेना है और उसको एक साइड से थोड़ा पॉइंटेड कर देना है और आपस में इन सबको ऐसे अटैच करेंगे। सब कुछ अटैच करने के बाद में एक रेड स्ट्रिप को चारों ओर रोल कर रही हूँ। अब एक ब्लू स्ट्रिप लेंगे और उसको ऐसे पेस्ट करेंगे ताकि इस पे हम बाकी फेदर्स चिपका सके। फेदर बनाने के लिए मैं अगेन कॉम्ब का यूज कर रही हूँ और उसी सिंपल टेक्निक से मैं इसको बनाऊंगी। कॉम्ब की हेल्प से हम दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस रखेंगे ताकि बढ़िया तरीके से हमारा फेदर निकल कर आए। बस इसी प्रोसेस से हमको बहुत सारे फेदर्स बनाने हैं विथ 3 डिफरेंट कलर्स। मैं यूज करूंगी डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड ब्लू कलर, जो कि आप आगे देखेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम इसको कॉम्ब से निकालेंगे और दोनों एंड्स को डिफरेंट डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। और सब कुछ फेविकॉल से सिक्योर करना तो बिल्कुल मत भूलना, वरना सब खुल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल का निशान मुझे दिख रहा था तो मैंने पॉस्का मार्कर से कवर कर दिया है। अब स्टार्ट करेंगे सारे फेदर्स को आपस में चिपकाना और इस प्रोसेस से आप सारे फेदर्स को चिपका सकते हैं और तैयार हो जाएगा हमारा मोर पंख। अब चलते हैं अगले DIY की तरफ, जिसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पिंक कलर यूज करने वाली हूँ क्योंकि मैं काफी इंटरेस्टिंग चीज बनाने वाली हूँ, जो है इयररिंग्स। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल हो उससे इसको गोल गोल रोल कर लेंगे ताकि इसको एक ऐसी शेप मिल पाए। मैंने टूल का यूज इसलिए नहीं करा है क्योंकि मुझे इसको ओवल शेप देनी थी। इसके ऊपर मैं डार्क पिंक कलर की स्ट्रिप को और लगा दूंगी। इसी टेक्निक का यूज करके आपको चार डिफरेंट ओवल्स बनाने हैं, दो थोड़े बड़े साइज के और दो थोड़े छोटे साइज के, और फेविकॉल से एंड को लॉक कर देंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका मिडिल पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैं यूज करूंगी कॉम्ब और पर्पल कलर। इसको बस कॉम्ब के दो गैप्स में गोल गोल घुमाना है और तैयार हो जाएगा आपका बीच वाला पार्ट। और जब इसको कॉम्ब से निकाल लेंगे तो हम इसको फेविकॉल से लॉक कर देंगे। इसके बीच वाले पार्ट में भी हम फेविकॉल लगाएंगे ताकि ये बीच से भी पिचक जाए। सेम कलर को यूज करके टूल से हम गोल गोल एक और रोल बना लेंगे और जब ये सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएं, इनको आपस में हमें अब बस चिपकाना है। बाय द वे मैं बताना तो भूल ही गई कि इयररिंग्स में मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं इसको बनाने वाली हूँ एक बटरफ्लाई, इसलिए मैं इसको एक बटरफ्लाई शेप दूंगी और सारे पार्ट्स को आपस में इकट्ठा करना चालू कर दूंगी। फेविकॉल की हेल्प से ये सब पार्ट्स आपस में इजीली चिपक जाते हैं क्योंकि है तो ये पेपर ही। अब हमारा इयररिंग तो हो गया है तैयार। अब इसको लटकाने के लिए मैं लगाऊंगी इसमें एक जंप रिंग, जिसमें मैं अटैच कर दूंगी एक इयररिंग हुक। और हुक अटैच करने के बाद एक इयररिंग तो तैयार हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट भी सिमिलर टेक्निक से आप बना लेंगे। अब चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट DIY की तरफ, जो कि काफी ज्यादा क्यूट होने वाला है क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ एक मिनियन। और मैं बता दूं कि ये मिनियन बनाने के लिए आपको येलो स्ट्रिप्स बहुत सारी लगने वाली है। मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स को आपस में अटैच कराया और फिर ये सर्कल बनाया है, और ऐसे ही सर्कल आपको बहुत सारे बनाने हैं तो लगभग आपको 70-80 येलो स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। इनमें से एक येलो सर्कल के साथ आपको कुछ ऐसा करना है और सेम चीज हमको एक ब्लू सर्कल में भी करनी है। अब सारे येलो सर्कल्स को हम फेविकॉल की हेल्प से आपस में अटैच कर देंगे और जो हमने पार्ट मोल्ड किया है वो हमको ऊपर नीचे लगाना है। ये दिखने में थोड़ा इजी है बट मेरे को इसको करने में काफी मेहनत लगी थी क्योंकि ये रोल बनाने में ही काफी टाइम लग जा रहा था और सारी स्ट्रिप्स को आपस में अटैच करना भी अपने आप में एक टास्क है। पांचों येलो सर्कल्स को आपस में सिलेंड्रिकल शेप में चिपकाने के बाद ऊपर नीचे हम ये दोनों येलो और ब्लू वाले पार्ट को भी चिपका देंगे। अब इस नंगे मिनियन को हम कपड़े पहनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम इसकी डंगरी बनाएंगे। अब मिनियन को कपड़े पहनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम ये ब्लू स्ट्रिप्स को आगे पीछे दोनों साइड लगा देंगे। अब छोटी छोटी डिटेलिंग मैं इसमें करती रहूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पे माइक्रोन भी यूज करा है। अब लेंगे एक ब्लैक स्ट्रिप और इसके सर पे लगा देंगे। अब जल्दी जल्दी से छोटी छोटी डिटेलिंग करते जाएंगे। अब मैंने लगा दी है डंगरी की स्ट्रैप। मैं बनाने वाली हूँ एक आंख वाला मिनियन क्योंकि वो मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगता है। एक आंख बनाने के लिए मैं यूज करूंगी व्हाइट स्ट्रिप, जिसके चारों ओर मैंने ग्रे स्ट्रिप लगाई, और इसकी बीच वाला ब्लैक वाला पार्ट बनाने के लिए मैंने बिंदी भी यूज करी। अब बनाएंगे इस मिनियन के हाथ, जिसके लिए येलो स्ट्रिप को रोल करने के बाद आपको चाहिए एक पेंसिल। इसको तरह करने से मिनियन का हाथ बन जाएगा और मैं ब्लैक स्ट्रिप का यूज करके इसके नीचे वाला पार्ट भी बनाऊंगी। और ऐसे ही हमको दो हाथ बनाने हैं। और पैर बनाने के लिए मैं ब्लैक और ब्लू पेपर का यूज करूंगी और कुछ इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूंगी। अब इस टकलू मिनियन के बाल बनाने के लिए मैं एक ब्लैक स्ट्रिप लूंगी और उसको बाल की शेप में काटने की कोशिश करूंगी। ऐसे ही चार पीस बनाने के बाद इसके टकलू पे रख दूंगी। लिटरली मैंने इसके सर पे चार ही बाल बनाए हैं, है ना, इसकी एकदम ये बढ़िया है। बाल बनाने के बाद इसकी डंगरी की पॉकेट भी तो बनानी है, तो उसके लिए एक छोटा सा पीस मैंने कट कराया और ऐसे पेस्ट कर दिया। और ये रही इसकी झकास स्माइल के साथ तैयार हो गए हमारे पांचों DIY। लेट्स हैव अ लुक। ये बनाइए हमने सबसे पहले वॉल हैंगिंग, मुझे तो ये काफी ज्यादा कलरफुल लगी है। इसके बाद हमारे पास है अगला ब्रेसलेट, जो कि मैं बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करने वाली हूँ। भाई देखो, इन सबको बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि इन पांचों में से आपको सबसे ज्यादा बढ़िया DIY कौन सा लगा है। और अगर आप इनमें से कोई भी DIY ट्राई करो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। मेरे को तो सबसे ज्यादा क्यूट ये मिनियन लगा है, आप भी जल्दी से अब कमेंट करके बता दो। ऑलराइट गाइस, दैट इज इट। आई होप आपको ये सारे DIYs पसंद आए होंगे। मैं आगे
भी ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पर डालती रहूंगी जिसमें मैं कोई भी आर्ट सप्लाई या आर्ट मटेरियल को चूज कर उसके 5 डिफरेंट DIYs करके आपको दिखाऊंगी। सिर्फ यही नहीं, आपको काफी कुछ और भी देखने को मिलेगा इस चैनल पर, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे को कॉमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूव हो सकता है तो वो भी मुझे बताओ। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए आर्ट चैलेंज के साथ, तब तक के लिए बाय। और सुनो, बेल आइकन भी दबा देना।